अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास सुजुकी स्विफ्ट आई हुई इस टाइम पे और इसके अंदर क्या क्या काम है आपको वो बताएंगे इंशाल्लाह। और इस टाइम पे गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये थी, गाड़ी मिसिंग बहुत कर रही थी और गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन थी और इसका इंजन कंडीशन जो है ना वो जो टाइमिंग साइड पे होता है वो भी इसका जो है ना बिल्कुल ख़त्म हुआ था, वो भी हमने खोला है और इंशाल्लाह इसकी टोटल बॉडी भी हमने खोली है, उसको भी सर्विस करेंगे, वॉश करेंगे, प्लग वगैरह भी चेंज करेंगे, इसके एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, तकरीबन 8 जो है ट्यूनिंग का ओवरऑल जो काम है वो इंशाल्लाह जो है ना हम इसको जो है करेंगे इस टाइम पे। अभी कंडीशन वगैरह भी खोले हैं, दिए चीज़ें हमने खोल ली हैं इसकी। और नाजिर भाई के चैनल को लाइक करें, बेल घंटी दबाएं, आने वाली अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे, ठीक है। अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ अभी कौन कौन सी चीज़ें हमने खोली हुई है। ये देखिए बिल्कुल ये टाइमिंग कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से जो है टाइमिंग कंडीशन हमने इसका खोल लिया, आपको वो दिखाते हैं खुला हुआ भी, ठीक है। जो इसके अंदर खत्म कर टाइमर फंडीशन यहाँ पर लगा होता है, ठीक है, वो भी आपको निकाल दिया। टोटल बॉडी जो है ना वो भी खोल दिया ट्यूनिंग के अंदर हमने इसके अंदर, क्योंकि वो भी सर्विस करेंगे। तो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम काफ़ी थी और जो है ना अभी ये इस टाइम पे जो है ना इसकी जो कॉयलें हैं वो भी इस टाइम पे जो है ना हल्की सी जो है मिसिंग करी, क्योंकि इसके अंदर अचानक की कॉयल डली हुई है, क्योंकि करंट जो है ना बॉडी के अंदर जो है ना स्पार करता है। असल में उसकी वजह ये होती है कि वो ये फ्रंट पे स्ट्रेट जो है ना कॉयल लगी हो तो ये इंजन बहुत गर्म होता है और हेड और बीच के अंदर टेम्परेचर इतना होता है, तो इसकी वजह से जो है वो हीटअप होने के बाद जो है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये बहुत जल्दी खराब होता है, इसके जो ज्यादा इनकाम होते हैं ये अपना खराब होने के। गाड़ी के अंदर मिसिंग आती है, गाड़ी झटके वगैरह मारती है, कस्टमर के लिए प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है। अभी हम उनको मशवरा दिया, अभी अभी इसमें जो है ना आप जो है काफ़ी ओरिजिनल कॉलें डालें जो इसमें अपना काम कर सकें। चलो अभी चलते हैं आपको सामान की तरफ, टाइम आपको मिस नहीं करते, आपको दिखाते हैं क्या क्या सामान डाल रहे हैं इस टाइम पे। चले जी, अब आपको चीज़ें दिखाते हैं कौन कौन सी खराब हैं और कौन कौन सी सही हैं इस टाइम पे जो है ना हमने जो कंडीशन वगैरह खोले हैं वो भी आपको दिखाते हैं इस टाइम पे। और कंडीशन जो हम नया लेके आएंगे, अभी फिलहाल जो पार्ट्स मंगाया है वो आपको वो चीज़ें दिखाते हैं कौन कौन सा पार्ट्स इस टाइम पे चेंज कर रहे हैं गाड़ी का। चले जी, फिलहाल तो आपको ये इंजन कंडीशन है, ये देखें बिल्कुल जो है ना ये लूला लंगड़ा हुआ हुआ है, जैसे बंदे की एज के हिसाब से होता है। तो फिलहाल ये इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इंजन का वेट ज़्यादा होता है, कि कोई ये टाइमिंग की साइड पे जो कंडीशन जो होता है ना वो उसके ऊपर काफ़ी वजन होता है, क्योंकि पूरा समझ लीजिए घर का सरबरा ना वो ये समझ लीजिए सरबरा है, इसके ऊपर काफ़ी लोड होता है। तो फिलहाल हम इसको भी चेंज करेंगे और साथ में इसके प्लग भी जो है ना हम लोग बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, वो प्लग भी इसके लिए हमने नए प्लग मंगाए हैं। तो ये तो आपको पुरानी चीज़ें दिखा दी, एयर फिल्टर वगैरह भी ख़त्म है। एयर फिल्टर का मतलब ये आप टाइम पर अगर ट्यूनिंग कराएंगे तो उसकी वजह ये होती है गाड़ी आपको प्रॉब्लम कभी नहीं करेगी और फ्यूल एवरेज वगैरह बिल्कुल आप लोगों का सेट रहेगा। उसका मकसद कहने का ये है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी वगैरह डस्ट होती है तो आपका ये सांस ऑक्सीजन जो ना रोकता है, उसकी वजह से जो ना ये आपको एयर फिल्टर टाइम पे चेंज करना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से आपको पेट्रोल एवरेज वगैरह खत्म हो जाती है, गाड़ी मिसिंग करती है, घुड़ती है, काफ़ी चीज़ों में ना सेंसर वगैरह में जो ना अब मिट्टी चली जाती है तो जाहिर बात है वो सेंसर जो है सक कर रहे होते हैं हर चीज़ों को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है। तो जब ये चीज़ें अगर टाइम पे चेंज करो तो कभी इंशाल्लाह आप लोग प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, तो ट्यूनिंग जो ना टाइम से चेंज कराइएगा। अच्छा यहाँ पर चलते हैं, अब हमने इसके अंदर जो ना एयर फिल्टर वगैरह भी नया मंगा लिया, ठीक है, ये एयर फिल्टर भी नया डालेंगे इसके अंदर और प्लग भी हमने इसके अंदर जो है ना नया मंगा लिए, कि वो इससे जो है ना प्लग चेंज करने का मकसद ये होता है जो करंट का अपना करंट है ना वो इससे फास्ट आता है, क्योंकि ये अंदर इसके पॉइंट होते हैं ना, जब ये पॉइंट बिल्कुल इसके अंदर बारीक तार होती है, अब बारीक तार का मकसद ये है इसके अंदर जब बारीक तार ये जल जाती है, इसकी लिमिट से अपना 5 से 6 हज़ार होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लोग मशवरा देते हैं 8 हज़ार चला लो, 10 हज़ार चला लो, तो मेरे हिसाब से 5 हज़ार 4 हज़ार लिमिट में बहुत है प्लग, ये अपने यूज़र के लिए घर के लिए, आप जो रेंट वगैरह पर गाड़ी चलाते हैं वो फिर अपने हिसाब से जुगाड़ करते रहते हैं। चलें जी, अभी इसका ऑयल फिल्टर भी आपको दिखाते हैं, ऑयल फिल्टर भी अच्छा सा हमने मंगाया है, वो भी चेंज करेंगे इसके अंदर, क्योंकि साथ साथ ऑयल भी मंगाया, ऑयल भी जो है ना, क्योंकि ये ट्यूनिंग का पूरा सामान आज हमने गाड़ी वाले को बोला भाई सामान हम पूरा चेंज करेंगे, तो आपको ऑयल भी दिखाते हैं। तो ऑयल भी साथ साथ जो है ना चीज़ें, ये ऑयल फिल्टर भी मंगाया और ऑयल भी मंगाया, सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑयल फिल्टर अच्छी क्वालिटी का फिलहाल ये लेके आए हैं, आप ब्रांड का नाम ले नहीं सकते क्योंकि अलाव नहीं है हमें इस चीज़ के अंदर। तो अभी आपको एसी का फिल्टर भी दिखाएंगे, ये ऑयल का डब्बा हमने मंगाया इस टाइम पे, ठीक है, ये 4 लीटर का है, 1030 है, ये लिखा हुआ 1030, ठीक है। इसके अलावा और ये डलेगा अभी स्विफ्ट के अंदर, ये सारा पार्ट जो है ना अभी इस टाइम पे हमने डाला है। और आपको एसी का फिल्टर भी दिखाते हैं इस टाइम पे, एसी का फिल्टर जो है वो भी हमने जो है ना चेंज किया है, वो भी आपको दिखाते हैं।
चलें जी, ये एसी का फिल्टर भी है, ये भी चेंज किया। फिलहाल नाजिक भाई के साथ जुड़े रहेगा, एंड तक हमारी वीडियो देखिएगा। फिलहाल नाजिक भाई को इजाजत है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।